Hey guys, welcome back to my channel and again I'm back with my yet another Meesho का haul. So मैं काफ़ी time बाद आप लोगों के साथ Meesho का haul और एक लेके आई हूँ. उससे पहले मैंने Meesho के jewelry haul, clothing wear haul और साड़ी haul भी share किया है और आज के video में भी मैं again कुछ साड़ीज़ लेके आई हूँ और इवन कुछ अमेजिंग वाली पार्टी वेयर ब्लाउजेस भी है. तो उन सब का कलेक्शन मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. साड़ीज़ जो है मोस्टली सारी सिल्क बनारसी जरी वाली साड़ी है. तो अगर आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है, अगर आपको बहुत ही क्लासिक वाली बनारसी साड़ी वेयर करना है जो कि बहुत ज़्यादा अंडर बजट हो, अफोर्डेबल रेंज में हो, लाइक मोस्टली साड़ीज़ ना 400 से 650 की रेंज में है और ब्लाउजेज़ भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है. एंड प्रोडक्ट्स की जितनी भी लिंक्स हैं ना, सबके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. So make sure to check that out and video ko thodi si bhi pasand aaye then don't forget to hit the like button, do subscribe to my channel for more such kind of helpful hauls and vlogs. So without any further delay, let's start the haul. Okay, so here I have 4 different color ki sarees aur charo hi jo sarees hai na wo different seller se li hai aur different design ki hai. So mere ko inki quality na, to be honest, sabse pehle main batana chahungi bahut hi achhi hai. So this is the first saree jo ki maine Meesho se liya hai aur sabse pehle main iske color ko compliment dena chahungi. Just look at the color guys, it has 2 different shades. I think 3 to 4 मेरे को इसमें नज़र आ रहे हैं, लाइक थोड़ा कॉपरिश, थोड़ा ऑरेंजी, रेड और पिंक और थोड़ा सा ब्रॉन्जी गोल्डन शेड भी इसमें आ रहा है. बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट वाला मटेरियल है, लाइक बहुत ज़्यादा स्टिफ मटेरियल नहीं है, रफ नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा. इसमें आपको बॉर्डर में ग्रीन कलर मिल जाता है. इसमें और भी ऑप्शंस थे, लाइक पिंक के साथ ब्लू ऑप्शन भी था, पिंक के साथ रेड का ऑप्शन भी था एंड पिंक के साथ आई थिंक येलो का ऑप्शन भी था. बट मेरे को पिंक के साथ ना ग्रीन का कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है. सो जस्ट लुक एट द जरी का डिटेलिंग गाइज, बहुत ही अमेजिंग जरी का काम हो रखा है इसमें. ऊपर और नीचे सेम बॉर्डर दी हुई है इस टाइप की और ग्रीन कलर भी ना, ग्रीन कलर में भी आप देख सकते हैं 2 टोन शेड आ रहा है, ग्रीन और पिंक का मिक्स होके इसका पूरा पल्लू. जस्ट लुक एट द पल्लू गाइस, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल इंट्रिकेट डिटेलिंग हो रखा है इसमें. जस्ट लुक एट द डिटेलिंग, एक ग्रीन कलर का कॉन्ट्रास्ट में ब्लाउज पीस जिसमें अगेन इस टाइप की एक बहुत ही अमेजिंग सी बॉर्डर है जिसको आप अगर स्लीव लॉन्ग रख रहे हैं तो स्लीव में भी अप्लाई कर सकते हैं, फिर आप बैक पे भी रख सकते हैं. सो अगेन काफ़ी ब्रॉड सा आपको एक बॉर्डर मिल जाता है ब्लाउज पीस में भी और जो ब्लाउज पीस है ना वो ग्रीन कलर में कॉन्ट्रास्ट में. जस्ट लुक एट द शेड गाइज, बहुत ही प्यारा लग रहा है, लाइक इस वाले पिंक के साथ ना एक ग्रीन कलर कॉन्ट्रास्ट में बहुत अमेजिंग लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा खिल के आ रहा है. सो अगर आप न्यूली वेड है ना तो फिर आपके ऊपर इस टाइप के कलर बहुत ज़्यादा सूट करते हैं. मेरे को सबसे अच्छा लगा कि इतने ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में ना इतना अमेजिंग जरी का काम मिला है. जस्ट लुक एट द शाइन, और बहुत ज़्यादा रफ नहीं है, इट्स वेरी सॉफ्ट मटेरियल, जरी भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है. सो मैं तो डेफिनेटली ये वाला साड़ी आपको रेकमेंड करूँगी. ये मैंने प्रीवियस वाले की तरह ही पैटर्न में लिया है बट इसका जो कलर और जो डिज़ाइन है ना काम का, लाइक जरी का जो पैटर्न का डिज़ाइन है, टोटली डिफरेंट है प्रीवियस वाले से. बट ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. अगेन मटेरियल बिल्कुल सेम है, बहुत सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल है, काफ़ी अच्छा सा इसमें एक शाइन आपको मिल जाता है, लाइक प्रॉपर बनारसी. इट्स नॉट अ ओरिजिनल बनारसी साड़ी बट आपको काइंड ऑफ ये रेप्लिका बोल सकते हो ओरिजिनल बनारसी साड़ी का. और बनारसी साड़ी का जो मटेरियल होता है ना थोड़ा स्टिफ होता है बट दीज मटेरियल्स आर वेरी वेरी सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और काफ़ी अच्छे से इसमें आपको शाइन मिल जाता है जो कि आपको रिसेंबल कराता है यू नो ओरिजिनल बनारसी साड़ीज़ के साथ. और इसमें कॉन्ट्रास्ट में दी हुई है ये मरून कलर की बॉर्डर विद अ शैम्पेनी गोल्डन जरी का वर्क. इट्स नॉट अ प्रॉपर जटैक गोल्डन, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल शैम्पेनी गोल्ड जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लासी एंड रॉयल लग रहा है. यहाँ से ये काम शुरू होता है और ये रेड कलर में ना बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे सारा छोटा छोटा अमिया बना हुआ है और नीचे तक ये बॉर्डर जाता है. रेड कलर के कॉन्ट्रास्ट में इसका सारा पल्लू का काम है और ऊपर और नीचे की तरफ साड़ी में इस टाइप की बॉर्डर मिल जाती है. इसके साथ रेड कलर का जो है ब्लाउज़ पीस मिला था जो कि मेरी मम्मी ने ऑलरेडी ब्लाउज़ बना लिया. सो मैं आपके साथ यहाँ पे अलग से शेयर कर लूँगी, अभी मेरे पास फ़िलहाल है नहीं. और बहुत ही सिंपल सा वो भी प्लेन में एक रेड कलर के जरी के ऊपर डिटेलिंग किया हुआ है, सेम इसी टाइप का उसमें बॉर्डर का वर्क है और बहुत ही ब्यूटीफुल है. सो ये साड़ी आप देखेंगे अगर वेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा. सो अगर आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है, इस टाइप के कलर्स बनारसी साड़ी में ना अनमैरिड गर्ल्स भी वेयर कर सकते हैं. लाइक अगर आप वेडिंग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं या फिर किसी ट्रेडिशनल फेस्टिवल के लिए भी अगर आपको पहनना है तो आप इस टाइप की
सिल्क वाली बनारसी साड़ीज़ को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के कलर्स जो होते हैं ना, ये अनमैरिड भी और मैरिड भी हर कोई पहन सकता है। और साड़ी जो रही है वो है ये वाली साड़ी, बहुत ही ब्यूटीफुल से वॉलेट पर्पल कलर के शेड में है, और इसमें अगेन शैम्पनी गोल्डन कलर का जरी का डिटेलिंग मिल जाता है। ये साड़ी भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल मेरे को मिली थी, और इसका जो मटेरियल है ना, अगेन इट्स वेरी सॉफ्ट एंड लाइट वेटेड। आप इन साड़ीज़ को ना समर सीजन में भी वेयर कर सकते हो, बिकॉज बहुत मोटा वाला मटेरियल इसका बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल स्टिफ मटेरियल नहीं है, इट्स वेरी लाइट वेटेड वाला मटेरियल, और बॉर्डर आपको इस टाइप का डिज़ाइन में मिल जाएगा। आपको डिटेलिंग मिलेगा छोटी छोटी जरी की बूटियों का, और इसमें ब्लाउज पीस आपको इस टाइप की प्लेन ब्लाउज पीस मिल जाएंगी। ओके, तो यहाँ से ये पल्लू स्टार्ट होता है, यहाँ से ये साड़ी एंड होते होते ये पल्लू का पैटर्न आप देख सकते हैं। बहुत ही इंट्रिकेट वाली डिटेलिंग इसमें हो रखी है, शैम्पनी गोल्डन शेड में। इट्स नॉट अ सिल्वर, इट्स नॉट अ गोल्डन शेड, समथिंग इन बिटवीन काइंड ऑफ वाला शेड। आई जस्ट लव द साड़ी, दिस कलर कॉम्प्लीमेंट्स मी सो मच। एंड इस टाइप की कलर्स भी अगेन आप अगर मैरिड है या फिर अनमैरिड है कोई भी वेयर कर सकते हो। अगेन ये वाली साड़ी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल आई थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट साड़ी, और वो है ये वाली साड़ी, बहुत ही ब्यूटीफुल से कलर में है। इट्स इन अ पिस्ता ग्रीन कलर, आई डोंट नो ये कैमरे पर थोड़ा डिफरेंट कलर पिक कर रहा है, बट इट्स अ पिस्ता ग्रीन कलर जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरे को पसंद है। इस टाइप के लाइट पेस्टल शेड्स ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और पूरी ऑल ओवर साड़ी प्लेन है जिसमें इस टाइप की छोटी छोटी अंबिया का डिज़ाइन बना हुआ है गोल्डन ब्रॉन्जी शेड के जरी के साथ, और इसके कॉन्ट्रास्ट में ना थोड़ी फेडेड वाली लाइक अ रस्टी रेड कलर का बॉर्डर है पतला, और जिसमें जरी का डिटेलिंग अगेन मिल जाता है। जो जरी का वर्क है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्टिफ मटेरियल नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैवी सा लगेगा। इट्स वेरी लाइट वेटेड साड़ी, अगेन के साथ इस टाइप का आपको पल्लू मिल जाता है, यहाँ से ये पल्लू स्टार्ट होता है। पल्लू जो है वो अगेन बहुत ज़्यादा सिंपल है, नीचे की तरफ थोड़ा सा है, जो कॉन्ट्रास्ट में शेड है ना उसी टाइप का, लेकर जो कोटा सिल्क वाली जो साड़ीज होती है ना, काइंड ऑफ वैसा पैटर्न है साड़ी का, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल साड़ी, कलर इज़ वेरी अमेजिंग, बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड साड़ी है। सो अगर आप अनमैरिड है या फिर मैरिड है, अगर आप थोड़ी एजड भी है तो भी आप इस साड़ी को वेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के साड़ीज़ कोई भी स्टाइल कर सकता है। मैंने मीशो में बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल ब्लाउजेस देखे थे, तो मैंने सोचा वहाँ से ट्राई करती हूँ, एंड जब मैंने उनको रिसीव किया टू बी ऑनेस्ट दे आर रियली अमेजिंग। फिलहाल मैं स्टार्ट करती हूँ इस वाले ब्लाउज के साथ, और ये कुछ इस टाइप का स्ट्रैपी ब्लाउज है। इस टाइप का स्ट्रैपी ब्लाउज मेरे को काफ़ी टाइम से चाहिए था, बट व्हेन आई सॉ इट ऑन मीशो एंड उसका जो प्राइस था बहुत ज़्यादा चीप रेंज में था, तो मैंने सोचा अगर मैं मटेरियल लेके अगर बनाने जाऊँगी तो मेरे को वो कॉस्ट अराउंड 1000 रुपीज़ पड़ जाएगा अगर मैं बुटीक में देती हूँ तो। बट ये मेरे को सिर्फ और सिर्फ अराउंड 250 to 300 के रेंज में ही मिला था। इसका जो डिज़ाइन है ना बहुत सिंपल पैटर्न में है, नॉर्मल पिंक कलर की सीक्वेंस में है, और प्रॉपर डीप नेक है इसका, आप देख सकते हैं। इट्स अ पैडेड ब्लाउज, पैड्स की क्वालिटी उतनी भी ज़्यादा कुछ वाव नहीं है, स्ट्रैप्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और मैं इसको रेट देना चाहूँगी 4 out of 5 जस्ट बिकॉज ऑफ द पैड्स की क्वालिटी। पे 3 ब्लाउज है जो कि ब्राइडल कलेक्शन में आती है, बट आप नॉर्मल प्लेन जरी वाली जो साड़ीज़ होती है, लाइक जो प्लेन सिल्क साड़ी या प्लेन जॉर्जेट साड़ीज़ होती है ना, उस टाइप के साड़ी के साथ ना आप इस टाइप के ब्लाउजेस को स्टाइल कर सकते हैं। और ये जो ब्लाउजेस है ना, आई थिंक इसको रिक्रिएट किया गया है देख के सभ्यसाची के ब्लाउजेस को देख के, क्योंकि जो डिज़ाइन है, जो पैटर्न है, एवरीथिंग इज जस्ट सिमिलर टू द सभ्यसाची के ब्लाउजेस। और इसका जो बैक नेक है ना वो काफ़ी ज़्यादा डीप है, और बहुत ही प्रिटी सा एक डिज़ाइन है इसके बैक में, और फ्रंट का जो नेक है वो भी परफेक्ट डिज़ाइन है, इस टाइप का पैटर्न आता है, नीचे भी इसकी लेस वाली डिटेलिंग मिल जाती है, और जो क्वालिटी है ना मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। इसमें जरी के साथ साथ छोटी छोटी ना सीक्वेंस लगी हुई है, जस्ट लुक एट इट। इसका जो स्लीव है काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी प्यारा सा इसमें डिज़ाइन किया हुआ है, आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, सो मैं डेफिनेटली आपको ये ट्राई करने के लिए रिकमेंड करूँगी। यहाँ पे मेरे पास 2 रेड कलर की ब्लाउज है, जिसमें सबसे पहले मैं इस वाले ब्लाउज की बात करना चाहूँगी। इट्स टमेटो रेड कलर में ब्लाउज, और जिसमें सिल्वर कलर की एम्ब्रॉयडरी और डिटेलिंग हो रखी है। डिटेलिंग होती है ना इस मटेरियल में काफ़ी ज़्यादा, लाइक हैंडक्राफ्टेड है, आप देख सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुली इसका जरी का काम हो रखा है, इसमें सीक्वेंस का वर्क हो रखा है। बैक है वो कुछ इस टाइप का है, काफ़ी डीप है, और इस टाइप का प्रॉपर डिज़ाइन एंड एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, जस्ट लुक एट इट, इस टाइप का
अगर आप ट्राई करना चाहते हो इस टाइप के कुछ हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउजेस, सो आप इस टाइप के डिज़ाइन ट्राई कर सकते हो. और आई थिंक ये ना सिल्क की जो साड़ीज़ होती है ना साउथ इंडियन वेडिंग में ना इस टाइप की ब्लाउजेस बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं. सो लास्ट ब्लाउज है वो है ये इस हॉल का ये प्रोडक्ट. अगेन इट्स अ रेड ब्लाउज बट इट्स अ रस्टी काइंड ऑफ अ ब्लाउज, रस्टी रेड काइंड ऑफ अ कलर है. सो बहुत ही ज़्यादा मेरे को क्लासिक लग रहा था ये वाला शेड. अगेन मेरे को लुक्स क्रिएट करने के लिए कुछ इस टाइप की ब्लाउजेस की नीड थी, दैट्स वाई मैंने ली है. और इसके भी फ्रंट में ही सारे हुक्स हैं आप देख सकते हैं, बट ये इतना भी ज़्यादा अनइवन नहीं लग रहा जितना पहले वाले रेड ब्लाउज में दिख रहा था आप देख सकते हैं. और पूरे ऑल ओवर ब्लाउज में भी इस टाइप की जरी एंड सीक्वेंस की ना छोटी छोटी बूटियाँ बनी हुई हैं. अगेन इसका शाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. और जो बैक साइड है काफ़ी बड़ा नेक, डीप नेक है इसका आप देख सकते हैं. स्लीव एरिया है, स्लीव में काफ़ी ज़्यादा हैवी वाला डिटेलिंग हो रखा है आप देख सकते हैं. जो ये एरिया है ना जस्ट लव्ड इट. मोस्टली क्या होता है इस टाइप की ब्लाउजेस में ना लेसेस लगाए जाते हैं टू गिव दैट ऊफ इफेक्ट एंड टू क्रिएट अ हैवीनेस. सो इसमें सारा एम्ब्रॉयडरी का खेल है आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली इसमें सारा काम किया गया है. सो ये भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो डेफिनेटली मैं आपको ये ब्लाउज भी रेकमेंड जरूर करूँगी. सो वेल या गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज हॉल एंड आई होप कि आपको मेरा आज का ये हॉल पसंद आया होगा. अगर आज के हॉल में आपको सारी साड़ियाँ और ब्लाउजेस पसंद आई है और अगर आप पार्ट टू देखना चाहते हैं देन मेक श्योर करके मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. मैं आपके लिए बहुत अमेजिंग साड़ी की कलेक्शन का हॉल लेके आऊँगी मीशो की. और अगर आपको आज का ये हॉल थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ हेल्पफुल ब्लॉग्स एंड हॉल्स. सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय.